गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर सियासी बवाल। जयराम रमेश ने कहा पुरस्कार देना गोडसे को इनाम देने जैसा। कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी। असम सीएम हेमंत विश्व शर्मा बोले गीता प्रेस का विरोध भारत की समृद्ध विरासत के खिलाफ युद्ध जैसा। जयराम रमेश पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा कांग्रेस का विरोध करना माफी के लायक नहीं। फिल्म आदि पुरुष पर मुंबई में बवाल। नाला सोपारा के कैपिटल मॉल में घुसे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, शो को बंद कराया। आदि पुरुष विवाद पर बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष पवन कुले। कहा फिल्म को परमिशन सेंसर बोर्ड देता है, बीजेपी नहीं। कंट्रोवर्सी बढ़ने पर बदले जाएंगे फिल्म आदि पुरुष के विवादित डायलॉग्स। फिल्म राइटर मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर दी जानकारी। डायलॉग चेंज को लेकर बोले मनोज मुंतशिर, मैंने जो लिखा वो पत्थर की लकीर नहीं, लोगों की भावनाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आदि पुरुष मेकर्स पर भड़के एक्टर मुकेश खन्ना। कहा फिल्म रामायण के साथ किया हुआ भयानक मजाक है ये। अखिलेश ने आदि पुरुष फिल्म पर उठाए सवाल। कहा राजनीतिक आकाओं के पैसे से बनाई जा रही एजेंडा वाली फिल्म में लोगों की आस्था से हो रहा है खिलवाड़। शिवसेना स्थापना दिवस पर उद्धव शिंदे गुटों में पोस्टर वॉर, दोनों गुटों की ओर से लगाए गए होर्डिंग्स। शिवसेना में बगावत पर महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का खुलासा। बावन कुले बोले शरद पवार सुप्रिया को सीएम बनाना चाहते थे। 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का निशाना। कहा सभी विपक्षी नेता नीतीश से बिहार के भ्रष्टाचार के बारे में सवाल पूछे। 23 जून को विपक्ष की बैठक पर बोले शिवपाल यादव, बीजेपी को हटाने के लिए धर्मनिरपेक्ष पार्टियां एक साथ करेंगी चर्चा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। कहा देश में दो विचारधारा, पहली कांग्रेस गठबंधन गांधी का विचार और बीजेपी गोडसे के विचार के साथ है। पटना में विपक्ष की बैठक पर बोले संजय राउत, का उद्धव ठाकरे शरद पवार लेंगे हिस्सा, पूरा विपक्ष एकजुट। झारखंड के सीएम सोरेन से मुलाकात पर बोले डी राजा, राजनीतिक स्थिति पर चर्चा, बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को होना होगा एक। पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर सीएम बघेल का पलटवार। कहा पिछले चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के नाम पर मांगा गया था वोट। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। कहा बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं हिंसा भड़क जाती है, सत्ता में बैठी पार्टी करवाती है हिंसा। बंगाल पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स तैनाती का मामला, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई, हाईकोर्ट के फैसले को है चुनौती। बंगाल पंचायत चुनाव पर बोले गवर्नर, मुझे विश्वास शांतिपूर्ण होगा चुनाव, प्रदेश के लोगों की होगी जीत। नागपुर में महाराष्ट्र के डुपड़ी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, औरंगजेब के वंशज बाहर के आए, भारत से मुसलमान मुगलों के वंशज नहीं। देवेंद्र फडणवीस बोले सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे राजा, देश के मुस्लिम शिवाजी का करते हैं सम्मान। केदारनाथ मंदिर में सोने को लेकर विवाद, पुजारी का आरोप 1.5 अरब रुपए के सोने का गबन हुआ। पुजारी का आरोप मंदिर में लगा सोना पीतल में बदला, पूरे मामले को उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पुजारी के आरोप पर केदारनाथ मंदिर प्रशासन की सफाई समिति के अध्यक्ष अजेंद्र जय ने कहा राजनीतिक साजिश के तहत आरोप है। मंदिर प्रशासन ने कहा केदारधाम की बदनामी की साजिश रची जा रही है, घिस गया था मंदिर के अंदर लगा सोना, इसीलिए सोने का वक्त चढ़ाया। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी। कहा पूरे देश में इस कानून की जरूरत, हमने विधानसभा चुनावों में वादा किया था। यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम का बयान। कहा यह किसी के हक में नहीं, हम करेंगे विरोध। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ मौलाना सैफुल्लाह का बयान। कहा यूसीसी भारत में मुनासिब नहीं, सियासी फायदे के लिए छेड़छाड़ ना हो। पटना में यूसीसी पर किए सवाल से बचते नजर आए सीएम नीतीश। कहा अभी बहुत गर्मी है, बाद में होगी बात। यूसीसी पर बोले यूपी के डुपड़ी सीएम केशव मौर्य। कहा यह बीजेपी का वैचारिक मुद्दा, आने वाले समय में होगा लागू। भोपाल वायरल वीडियो पर पुलिस का एक्शन, 3 मुस्लिम आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 और की तलाश जारी। भोपाल में युवक के गले में पट्टा बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। लड़के का दावा इस्लाम कबूल करने को मजबूर कर रहे थे बदमाश। विवाद बढ़ने पर भोपाल में बजरंग दल के थाने का घेराव किया गया, बजरंग दल ने दी पुलिस प्रशासन को चेतावनी। एमपी के गृह मंत्री ने मामले को बताया गंभीर, वीडियो की जांच कर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का आदेश दिया। कल गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, भगवान जगन्नाथ मंदिर में करेंगे पूजा, उद्घाटन और शिलान्यास के कई कार्यक्रम। न्यूयॉर्क में मनाया जाएगा इंटरनेशनल योगा डे, यूएन हेडक्वार्टर के लॉन में की जा रही तैयारी, पीएम मोदी होंगे शामिल। 21 जून को अमेरिकी प्रेसिडेंट से निजी मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी, स्केलिंग को लेकर एक कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी का सीसीटीवी आया सामने, पत्थर मारते दिखे 3 युवक, पहचान में जुटी रेलवे पुलिस। मुजफ्फरनगर में वंदे भारत ट्रेन का टूटा शीशा बदला गया, आरपीएफ ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। दिल्ली में भारत वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक, द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। बेंगलुरु में वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल, केएसआर बेंगलुरु धारवाड़ के बीच किया गया ट्रायल। बीजेपी का बिहार सरकार पर आरोप, जेडीयू सांसद के रिश्तेदार को 1600 करोड़ के एम्बुलेंस कॉन्ट्रैक्ट देने में बताई धांधली।
रविशंकर बोले, जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद के रिश्तेदार की कंपनी को दिया ठेका, गर्भवती महिला और बच्चों की सुरक्षा खतरे में। लखनऊ में सीएम योगी ने हीट वेव को लेकर की समीक्षा बैठक, हर स्तर पर बचाव के पुख्ता इंतजाम करने का आदेश। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल केस में ईडी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, 21 जून को होगी सुनवाई। आंध्र के पूर्व मंत्री विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत से जुड़ी याचिका। बिल के लिए गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे जयसुख पटेल, मोरबी ब्रिज हादसा केस में जेल में है जयसुख, रेवा ग्रुप के प्रमोटर हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन, दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर पोस्टर, कार्यकर्ताओं ने बधाइयां दी। दिग्विजय ने किया ट्वीट और लिखा कि गांधी जी के रास्ते पर है राहुल, वे तपस्वी सत्याग्रही हैं, सत्ताग्रही नहीं। पंजाब सीएम मान का बड़ा ऐलान, कासवर्ड मंदिर से गुरबानी का होगा फ्री टेलीकास्ट, 20 जून को विधानसभा में पेश होगा प्रस्ताव। सिख गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन करेगी पंजाब सरकार, गुरबानी प्रसारण के लिए नहीं लगेगा कोई टेंडर, सिख समाज की मांग का फैसला। सीएम मान के सिख गुरुद्वारा एक्ट में बदलाव के ऐलान पर एसजीपीसी नाराज, अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा राज्य सरकार को बदलाव का अधिकार नहीं। हरजिंदर सिंह धामी का आरोप, का दिल्ली में बैठे राजनीतिक गुरु को खुश करने की कोशिश, धार्मिक मुद्दे को दिया जा रहा है राजनीतिक रंग। जयपुर में अस्पताल पहुंचे सीएम गहलोत, कैंसर पीड़ित बच्चे से की मुलाकात, बच्चे ने सीएम ने मिलने की जताई इच्छा। लखनऊ में सीएम योगी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, बलिया में हीट वेव से मौतों के बाद एक्शन में सीएम। अमरनाथ मंदिर और कांवड़ यात्रा पर मेरठ में मीटिंग, यूपी हरियाणा उत्तराखंड और दिल्ली के अधिकारी मौजूद थे। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर, नीलाब्जा चौधरी कानपुर के ज्वाइंट सीपी क्राइम, प्रयागराज में डीसीपी बने पवन कुमार। राजस्थान के दौसा में खुलेआम हो रहा शराब का प्रचार, शराब की बिक्री का टारगेट पूरा करने के लिए ई रिक्शा पर लाउड स्पीकर लगाकर अनाउंसमेंट। शराब के खुलेआम प्रचार से स्थानीय लोग नाराज, प्रशासन ने मामले पर मौन साधा। नागपुर के पचपावली इलाके में कार के अंदर 3 बच्चों के शव बरामद, खेलते समय लापता हुए थे बच्चे। खेलते समय कार के दरवाजे बंद होने से दम घुटने से मौत की आशंका, शवों को पीएम के लिए भेजा गया। मुंबई के अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर ईएमयू ट्रेन डी रेल, घटना के वक्त खाली थी गाड़ी। देहरादून में सीएम धामी का श्रमदान कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान में हुए शामिल। पटियाला में इंडियन आर्मी के सोल्जर डीएम कृष्णन की बहादुरी, भाखड़ा नहर में कूद कर बचाई डूबती लड़की की जान। सीएम अशोक गहलोत ने पूरी की कैंसर पीड़ित बच्चे की ख्वाहिश, जेके लोन अस्पताल में जाकर जाना हालचाल। ओडिशा में रथ यात्रा के अवसर पर 4 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला का आयोजन, जगन्नाथ संस्कृति और रथ यात्रा पर बनाई जाएंगी पेंटिंग्स। आईसीएआई के सदस्यों की 12वीं आवासीय बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का संबोधन, बोले देश निर्माण में आईसीएआई का बड़ा योगदान है। बारामूला में आर्मी ने लाइव म्यूजिकल इवेंट का किया आयोजन, म्यूजिक की धुन पर जमकर थिरके स्थानीय लोग। उत्तराखंड के घमसाली में सोल ऑफ स्टील इंडिया इवेंट का समारोह समापन, सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए किया गया समारोह का आयोजन। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कॉम्प्लेक्स में आग, आग से बचने के लिए लोगों ने इमारत से छलांग लगाई। डीयू के साउथ कैंपस में स्टूडेंट मर्डर में पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को किया अरेस्ट, 2 फरार आरोपियों की तलाश। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र का मर्डर, निखिल नाम के स्टूडेंट की चाकू से गोद कर हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात। निखिल की गर्लफ्रेंड को लेकर आरोपियों से बहस हुई थी, बाद में आरोपियों ने की रेकी, निखिल को अकेला देकर हत्या कर दी। दिल्ली के आरके पुरम डबल मर्डर पर पुलिस का एक्शन, 2 और इस आरोपी अरेस्ट, मामले में कुल 5 आरोपी पकड़े गए। प्रयागराज कोर्ट में अपराधी अनीस का सरेंडर, गैंगस्टर एक्ट में पुलिस को तलाश, माफिया अतीक का करीबी रहा है अनीस। चंपावत के रीठा साहिब के पास पलटी बस, कई यात्री घायल, जिला अस्पताल में कराए गए भर्ती। रायपुर में बीजेवाईएम अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का छत्तीसगढ़ में पीएससी भर्तियों में बड़ा घोटाला। नागपुर के फारूक नगर में 3 बच्चों की मौत, घर के पास पार्क पुरानी कार में मिले शव, कार लॉक्ड होने पर दम घुटने से मौत। हिमाचल के चंबा में हटाया गया अवैध अतिक्रमण, मनोहर मर्डर के आरोपी शब्बीर ने कब्जा कर रखी थी 18 बीघा जमीन। सागवाड़ा में गौ तस्करी का मामला, पिकअप ने 7 गौवंश भरकर ले जा रहे 6 गौ तस्कर पकड़े गए, पीछा करने पर जानवरों को सड़क पर फेंक दिया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में डीएमके मंत्री और आईयूएमएल के सांसद समर्थकों में भिड़ंत, बहसबाजी के बाद हाथ हपाई। झगड़ा सुलझाने पहुंचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सांसद समर्थकों ने धक्का मारकर गिराया कलेक्टर को, पुलिस ने एक आरोपी को किया अरेस्ट। तिरुवनंतपुरम के कोवलम में इंटरकास्ट मैरिज पर बवाल, मंदिर में हिंदू प्रेमी के साथ शादी कर रही मुस्लिम लड़की को पुलिस ने उठाया, बाद में कोर्ट के आदेश पर शादी हुई। कनाडा में खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ हरदीप सिंह झिज्जर की मौत, गुरुद्वारे की पार्किंग में 2 युवकों ने मारी गोली। ओडिशा के पुरी में नेशनल आर्ट वर्कशॉप ललित कला अकादमी ने 4 दिन का किया आयोजन, रथ यात्रा पर तस्वीरें बनाएंगे आर्टिस्ट। एमपी के मुरैना में हॉरर किलिंग, घर से भागे प्रेमी जोड़े का परिवारों ने उन्हें मौत के घाट उतारा, चंबल में फेंके गए उनके शव। लड़की लड़के के परिजनों ने ही दर्ज कराई थी एफआईआर, पुलिस जांच में लड़की के पिता ने कबूली हत्या की बात। मैनपुरी के कुरा थाना इलाके में चेकिंग के दौरान मिला गांजा, 4 अरेस्ट।
बरामद 57 किलो गांजे की कीमत 6 लाख रुपए। ओडिशा से गांजा लाकर अलीगढ़ में करते थे सप्लाई। तमिलनाडु के कुडाकोल में टकराई दो प्राइवेट बसें, करीब 70 जख्मी, सरकारी अस्पताल में कराए गए भर्ती। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुल से टकराई बस, 26 लोग हुए घायल, दो की हालत गंभीर, इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने दो फ्रॉड की अरेस्ट, 4,85,00,000 की ठगी का आरोप, एक शख्स से एग्रीमेंट टू सेल नाम पर की थी ठगी। गुवाहाटी में हुई तेज बारिश, कई इलाकों में जलभराव, लोगों को हो रही है परेशानी। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान। चेन्नई में रात में भारी बारिश, 137 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। दिल्ली एनसीआर में भी कई इलाकों में बारिश, मौसम हुआ सुहाना। जेएनयू अस्पताल में वार्ड के वाइपर के जरिए पानी निकालते दिखे कर्मचारी, मरीजों के बेड के नीचे भरा पानी। अजमेर के अस्पताल में पानी भरने पर अमित मालवीय का तंज, कहा कांग्रेस सरकार ने अजमेर को बनाया वेनिस। हिमाचल के कांगड़ा में करेरी लेक में फंसे 26 टूरिस्ट, एसडीआरएफ और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन, निकाले गए सुरक्षित। पूर्वी नेपाल के हैवॉक में बाढ़ और लैंडस्लाइड, 5 की मौत, 28 जख्मी। मोदी के रंग में रंगे अमेरिकी भारतीय, पीएम मोदी के स्वागत में वॉशिंगटन में सैकड़ों लोगों ने निकाली यूनिटी रैली। रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग हाथों में पोस्टर बैनर लेकर यूनिटी रैली में शामिल हुए। वॉशिंगटन में मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से गूंजा पूरा इलाका। 21 जून से शुरू होगा प्रधानमंत्री का यूएस दौरा। अमेरिकी स्टेट कनेक्टिकट के गवर्नर ने पीएम मोदी की यात्रा सफल होने की कामना की, कहा पीएम मोदी की यात्रा मजबूत साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करेगी। अमेरिकी सांसद माइक कोलिंस का बयान, आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका दोनों साथ हैं। मोदी के दौरे से पहले 9 इंटरनेशनल योगा डे के सेलिब्रेशन की तैयारी, न्यूयॉर्क के यूएन हेडक्वार्टर के लॉन को विशेष तौर पर सजाया गया। न्यूयॉर्क में 21 जून को पीएम मोदी योग दिवस समारोह का करेंगे नेतृत्व, पीएम मोदी योग सेशन में होंगे शामिल। भारतीय मेंस फुटबॉल टीम ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता, फाइनल मुकाबले में लेबनान को 2-0 से हराया। विजेता भारतीय टीम को 1 करोड़ रुपए देगी ओडिशा सरकार, सीएम नवीन पटनायक का ऐलान। लंबी कूद में मुरली श्री शंकर ने विश्व चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई, जेस्विन एल्ड्रिन के राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ 1 सेंटीमीटर चूके। ब्राजील की फुटबॉल टीम ने नस्लवाद विरोधी अभियान के समर्थन में काले कपड़ों में खेला मैच, गिनी को 4-1 से हराया। नॉटिंगम ओपन के फाइनल में पहुंची एंडी मरे, लगातार 9वीं जीत दर्ज की। अभिषेक वर्मा ने तीरंदाजी विश्व कप में जीता गोल्ड, अमेरिका खिलाड़ी को हराया। विराट कोहली की संपत्ति में इजाफा, कुल संपत्ति 1,000 करोड़ के पार पहुंची। आदि पुरुष को लेकर नेपाल में भी बढ़ा विवाद, काठमांडू के मेयर ने मल्टीप्लेक्स मालिकों को सभी हिंदी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के आदेश दिए। नेपाल सरकार के मेयर के निर्देश को लेकर आपत्ति जताई गई है, फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक को बताया गैर कानूनी। ट्विंकल खन्ना ने पति अक्षय के लिए किया खास पोस्ट, शादी करने की बताई वजह, लिखा अपनी फैमिली को अच्छे से डील करते थे। फादर्स डे पर प्रियंका ने पति निक जॉनस और बेटी मालती का पिक शेयर किया, लिखा निक को पाकर हम दोनों भाग्यशाली हैं। ब्राजील से आलिया ने जोया अख्तर और सुहाना खान के साथ शेयर की तस्वीरें, द चीज फिल्म से सुहाना खान कर रही है डेब्यू। कॉफी विद करण में एक साथ नजर आएंगे शाहरुख, आर्यन बेटे के साथ करण के सवालों का सामना करेंगे किंग खान। शाहरुख गौरी का पुराना वीडियो आया सामने, गौरी ने हाई स्पीड से चलाई बाइक। मुंबई एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में नजर आई जैकलिन, लाइट पर्पल कोट पैंट में हुए स्पॉट, फैंस बोले वेरी ब्यूटीफुल। मुंबई एयरपोर्ट पर गर्लफ्रेंड संग स्पॉट हुए एक्टर प्रतीक बब्बर, दोनों ब्लैक लुक में आए नजर। बिग बॉस ओटीटी 2 में जिया शंकर ने पलक पुरस्वानी को लेकर किया खुलासा, विनाश सचदेव से बताया पलक के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहा।